सिला यूनिवर्सिटी जहां से नौजवान निकलते थे तो पूरे दुनिया के लोगों को आश्चर्य होता था कि भारत के नौजवान इतने तेजस्वी कैसे होते हैं, भारत के नौजवान इतने आत्मबल संपन्न कैसे होते हैं, ये पूरे दुनिया के लोगों को आश्चर्य होता था। आज क्या हो गया, पटना यूनिवर्सिटी से लेके जेएनयू से लेके और दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकलने वाला बेचारा मारा का मारा। क्यों भैया, डिग्री तो हमने बटोर लिया लेकिन भीतर वाला वो मद्दा वो कुवत वो साहस कहां से लाएंगे। उसी को प्रदान करने के सुपर साइंस का नाम भारत का अध्यात्म था, जिसको हमने बना दिया पूजा पाठ देवी देवता भजन कीर्तन। जो हमारा साइंस था, जो हमारा टेक्नोलॉजी था, वो क्या हो गया, पूजा पाठ देवी देवता। मंदिर तो रह गया लेकिन इसके भीतर एक प्राण होता है, मनुष्य के भीतर कोई चीज है जो काम कर रहा है, क्या कहते हैं उसको, जींस वही, पैंट वही, बेल्ट वही। रोड पर कई बार लड़का लुढ़क जाता है, चल गया फलनमा के बेटा लुढ़क गया, मोटरसाइकिल बस जा है ले बतियाता है लो गांव में ऐसे ही लुढ़क जाता है, जींस टाइट गोल उल चेहरा सब वैसे हलय, खाली तनी से लुढ़क गए चल गए। अब लुढ़के हुए शरीर को क्या हुआ, प्राण निकल गया। अब इसको क्या किया जाएगा, कहां ले जाएंगे, बांस घाट, राम राम सत्य है सबको ही। तो हमारे मंदिर का भी क्या हालत हो गया, प्राण निकल गया देवता रह गए। खूब मच मच हो रहा है, अगरबत्ती मोमबत्ती दिया सलाई, देवता सुनिए नहीं रहे। अरे मरल शरीर पर कैसे देवता सुने, जो प्राण था, जो साइंस था, जिसके बल पर कभी भारत दुनिया का जगत गुरु था, पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला भारत, ओबामा जैसा राष्ट्रपति, जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, ओबामा, हम आप कितने बड़का बाप के बेटा होइएगा, भगवान जाने। ओबामा जैसा प्रेसिडेंट कहता है कि इंडियन स्पिरिचुअल साइंस की जो ताकत है, विवेकानंद की जीवनी पढ़ा है ओबामा, महात्मा गांधी की जीवनी से प्रभावित है ओबामा, और ओबामा ने कहा है कि भारत के पास ही वो टेक्नोलॉजी है, भारत के पास ही वो साइंस है जो संपूर्ण विश्व के लोगों को सही दिशा दे सकता है, ये टेक्नोलॉजी किसी कंट्री के पास है तो इंडिया के पास, भारत के पास। लेकिन हम युवाओं को पता ही नहीं है, हम लोग को भी नहीं पता था, हम लोग पूजा पाठ का मतलब क्या समझते थे, जो पटना यूनिवर्सिटी में थे कभी कभी दरभंगा हाउस के काली मंदिर में जाते थे, काला काला टीका लगा लिया, स्टेशन वाले हनुमान मंदिर पर जाते थे ऐना देख के लड़का टिक्का मार लेते थे, कुछ लड्डू खा लिए कुछ लड्डू खिला दिए, इसी को पूजा कहते थे इसी को पाठ कहते थे। ये इतना बड़ा साइंस है हमारे देश के पास कि जो व्यक्ति साधारण भी है इस साइंस से जुड़ के अपने को इतना विकसित कर सकता है कि इस दुनिया में वो जो चाहे प्राप्त कर सकता है। तथागत तुलसी का नाम सुना है, आईआईटी के बॉम्बे का सबसे कम उम्र का प्रोफेसर, आपके पटना साइंस कॉलेज का प्रोडक्ट है वो, कहां का, पटना साइंस कॉलेज। और तथागत तुलसी हमारे कार्यक्रम में दो बार आए, उनके पिताजी भी आए, उनके पिताजी ने बताया कि मैं अपने बच्चे को 5 साल की उम्र से ध्यान कराता हूं और गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का मेडिटेशन कराते, और ये ताकत ये क्षमता इतनी विकसित हुई कि वो लड़का मैट्रिक में ही बीए और कैके का डिग्री ले लिया था, बीएससी और सब चीज करता हुए चला गया। ये खोपड़ी जो है इसमें बहुत ताकत है, लेकिन इसका बहुत पार्ट सुषुप्त अवस्था में, जैसे बेबी है सिकुड़ा हुआ है, सिकुड़ा हुआ है ना, इसको अगर फैलाना होगा तो क्या कीजिएगा, जी जी। हम लोग जब पहली बार गांव से आए पटना में, देहाती क्षेत्र से आए, शुद्ध देहात में रहे, पटना में आए तो बड़ा सुंदर लगा, आप सिनेमा खूब देखेंगे, पढ़ाई वाला सेकेंडरी मामला था, सिनेमा वाला कोई रोक टोक नहीं होगा, खूब मजा आएगा। एक हमारा रूममेट था मिंटो छत्रावास में, पढ़ने के लिए हॉस्टल ले लिया था, पटना का रहने वाला था, पटनिया, रोज सुबह सुबह पानी का एक बोतल और तौलिया लेके निकल जाता था। हमको लगा लड़का बड़ा धार्मिक है, सुबह सुबह पानी उनी लेके निकलता है, कहीं पूजा वूजा करता होगा। एक दिन हमने उससे पूछा, यार आप सुबह सुबह रोज कहां जाते हो,
उसने कहा मैं जिम जाता हूं, जिम, मैंने जिंदगी में कभी जिम का नाम नहीं सुना था। उसने कहा जिम, तो मुझे लगा जीन, वो जीनून होता है ना, बड़ा सुनते हैं किसी पर धार देता है तो मालोमाल कर देता है। तो हम कहे हो सकता है बेचारा जीन का पुजारी हो, हम कहे चलिए आप किसी किसी भगवान इसको मानते हैं, अच्छा है, अच्छा लड़का हमारा रूममेट मिल गया है। इतना कहे कि वो जोर जोर से ठहाका मारने लगा। उसने कहा अरे बेवकूफ जिम नहीं, जिम जिम। मैंने कहा ये जिम क्या होता है? बॉडी, बॉडी बनता है, बॉडी। अरे हमारे गांव में तो लोग दंड बैठक करते हैं, वो बॉडी बनता है, ये कौन है? मैं आप, हम कहे हमें भी ले चलिए। मैं उसके साथ जिंदगी में पहली बार गया जिम खाना। जब मैं पहुंचा जिम खाना तो वहां मैंने देखा एक से एक मुस्टा सा फेटा मार रहा है। मैंने कहा अच्छा इसी को कहते हैं जिम। मैंने कहा क्या होता है? बॉडी बनता है। इसका मतलब है कि शरीर जो सिकुड़ा हुआ है इसको फैलाया जा सकता है पूजा करके, घंटी डोला के, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अभी मेडिकल साइंस के डॉक्टरों ने प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य का जो ये पावर है, पावर हाउस, ये सिकुड़ा हुआ है, जैसे शरीर सिकुड़ा हुआ है, तो जैसे शरीर को फैलाया जा सकता है तो आप मेंटल पावर को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मेंटल जिम का नाम क्या है? मेडिटेशन। अगर आप नियमित मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें वाइब्रेशन होने लगता है, और वो जो आपका मेमोरी है, आईक्यू है, कंसंट्रेशन पावर है, आपका विल पावर है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे बॉडी, सलमान खान प्रैक्टिस से बॉडी को बॉडी बना लिया, उसी तरह आप चाहें तो अपने मेंटल पावर को इतना बढ़ा सकते हैं कि जो लड़का 10 घंटे में कोई चीज पूरा करता है, अगर आप चाहें तो 3 से 4 घंटे में 10 घंटे वालों का बराबरी कर सकते हैं।